नमस्कार दोस्तों, बैग पैक बांध लीजिए। अगर आप बीते 2 महीनों से अपने घर से बाहर नहीं निकले हैं और आपको कहीं ज़रूरी काम से जाना है तो ट्रेनें भी चल रही हैं और अब तो हवाई जहाज़ भी चल रहे हैं। जी हाँ, आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या एहतियात आपको बरतनी है, क्या तैयारियाँ आपको करनी हैं। तो शुरुआत हवाई जहाज़ से करता हूँ। 1 जून से आने वाले लगभग एक हफ्ते के बाद जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं वो शुरुआत करने की घोषणा कर दी गई है, लेकिन अब इस बार हवाई यात्रा बिल्कुल अलग होने वाली है। तो सबसे पहले एयरपोर्ट पहुंचने के वक्त पे आपको किस तरीके से इस कोरोना के वक्त में किन किन बातों का ख्याल रखना है, उस बारे में बात कर लेते हैं। एक तो अमूमन आप अभी तक करीब 1 घंटा पहले फ्लाइट पकड़ने पहुँचते थे, अब ये कहा गया है कि 2 घंटे फ्लाइट डिपार्चर के पहले आपको एयरपोर्ट पहुंच जाना है। लेकिन मेरी आपसे सलाह ये है, अगर आप दिल्ली बम्बई जैसे व्यस्त एयरपोर्ट पर हैं और वहां से आपको फ़्लाइट पकड़नी है तो आप 3 घंटे पहले अगर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे तो इसमें आपकी फ़्लाइट की ना छूटने की संभावना कन्फर्म हो जाएगी। आप फ़्लाइट पकड़ पाएंगे ज़्यादा आसानी से, ज़्यादा आराम से। तो समय एयरपोर्ट पर अब ज़्यादा लगने वाला है। जब आप एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो कुछ ख़ास बातों का आपको ख्याल करना है। पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपके फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप होना ही चाहिए। आपके CRPF का आदमी जो एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ है, सिक्योरिटी का पर्सन, वो आपका ऐप चेक करेगा और वो ऐप ग्रीन दिखाना चाहिए। अगर ग्रीन होगा यानी आप खतरे के उससे बाहर हैं संक्रमण से, तो ही आपको फ़्लाइट पकड़ने की इजाज़त दी जाएगी। अगर वो रेड होता है या ऑरेंज होता है तो शायद रेड में तो फ़्लाइट आप ना पकड़ पाएँ और ऑरेंज में भी फ़्लाइट पकड़ने में आपको दिक्कत आएगी। तो ग्रीन आरोग्य सेतु ऐप में ज़रूर दिखना चाहिए, तभी आप फ़्लाइट एयरपोर्ट के अंदर जा पाएंगे और फ़्लाइट को पकड़ पाएंगे। क्योंकि कोरोना की बीमारी छूने से फैलती है, चाहे वो सरफेस हो, चाहे वो पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट हो, इसीलिए 2-3 बातों का बहुत ख्याल रखना है। फेस मास्क पहनना ही पहनना है। अब सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने एक ख़ास क्वांटिटी के सैनिटाइजर्स को साथ ले जाने की इजाज़त भी दे दी है। अभी तक आपको पता होगा कि लिक्विड किसी भी फॉर्म में आप साथ नहीं ले जा सकते थे, खासकर अपने हाथ में, लेकिन अब सैनिटाइजर्स को क्योंकि बार बार हैंड वॉश करना पड़ सकता है तो उसकी इजाज़त दी गई है। तो मास्क लगा के रखना है, सैनिटाइज़र की एक बोतल 200-300 ml तक की बोतल आप अपने साथ रख सकते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का एयरपोर्ट पर पालन करना है। एयरपोर्ट पे बाकायदा लाइंस बनी होंगी, सर्कल्स होंगे, स्क्वायर्स होंगे, जिसमें 2 गज की दूरी का अंतर होगा, उसी पर उन्हीं निशानों पर रख कर आपको आगे बढ़ना है। एक और बड़ा चेंज जो इस बार हो रहा है एयरपोर्ट पर वो ये कि अब आपकी फिज़िकल फ्रिस्किंग नहीं होगी। पहले आप देखते थे कि CRPF के आदमी आपके साथ आपकी बॉडी को टच करते थे, छू के चेक करते थे कहीं कुछ अवांछित चीज़ तो नहीं है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। अब कोई आपको फिज़िकली आपकी फ्रिस्किंग नहीं करेगा। एयरपोर्ट के अंदर जब आप एंटर करेंगे तो वहाँ पर आपको काउंटर पर जाकर अपना बोर्डिंग पास नहीं लेना है, वो नहीं होगा। किसी भी तरह का पेपर का फॉर्म नहीं है, वेब चेक इन होगा। जी, अपना फ़ोन में आप टिकट दिखाइए, फ़ोन के ज़रिए आप इस पर वेब चेक इन कराइए और इसी वेब चेक इन के सहारे आप सिक्योरिटी से क्लियर करते हुए एयरपोर्ट के इन अंदर के गेट तक जा सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। एयरपोर्ट के भीतर अगर किसी तरह का पेमेंट करने की नौबत आती है तो वो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल पेमेंट होगा। जी हाँ, ये बहुत क्रूशल चीज़ है, यानी आपके फ़ोन में या तो फ़ोन पे हो या पेटीएम हो, ऐप के ज़रिए ही आप पेमेंट्स कर सकते हैं। डिजिटल पेमेंट्स का ही को ही इसमें ज़रूरत बताया गया है। अगर आप टैक्सी करके एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं तो जो आपके इलाके के DM ने, वहाँ के स्थानीय प्रशासन ने जो टैक्सी के नियम बनाए हैं कि एक ड्राइवर होगा, 2 व्यक्ति पीछे बैठे होंगे और अगर परिवार साथ में है तो 2 बच्चे भी अलाउड किए गए हैं, तब आप 4 आदमी जा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप 3 वयस्क जा रहे हैं तो आपको 2 अलग अलग टैक्सी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको एयरपोर्ट पर किसी सिक्योरिटी ने देख लिया तो आपको वहाँ पर टोका जा सकता है और आपको रोका जा सकता है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आप टैक्सी में कितने लोग हैं और किस अपने नियम कायदे से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। बैगेज की, जो आप साथ में सामान ले जाते हैं, उसको भी लिमिट कर दिया गया है, उसको भी तय कर दिया गया है। 1 चेक इन बैगेज और 1 केबिन बैगेज अलाउ किया गया है। सिर्फ 1 हाथ में 1 बैग
और आप जो अंदर करते हैं उसके लिए देते हैं केबिन के लिए चेक इन के लिए, वो एक बैग आपको अलाउ किया जाएगा और वो भी आपको खुद करना है। कोई आपको हेल्प नहीं मिलेगी एयरपोर्ट पर कि कोई आपका सूटकेस या बैग उठा के झोला उठा के कन्वीनियर बेल्ट पर रख दे। आपको खुद वहाँ पर कंप्यूटराइज तरीके से उसका चेक इन करना है और उसको टैग करना है और उसको कन्वीयर बेल्ट पर रखकर अंदर भेज देना है। और जब ये सामान अंदर जा रहा होगा तो उसको भी सैनिटाइज किया जाएगा। एक बात और जो खास तौर पर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने कही है कि अगर आप बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं यानी 65 साल से अधिक आपकी उम्र है, अगर आप प्रेग्नेंट हैं और अगर आप छोटे उम्र में कम उम्र के बच्चे हैं तो आपको एडवाइज़ किया गया है कि आप हवाई यात्रा ना करें। पहले ये कहा जा रहा था कि हवाई जहाज़ में दूर दूर बिठाया जाएगा, बीच की रो छोड़ दी जाएगी ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म का फॉलो हो, लेकिन आज सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप पुरी ने साफ कर दिया कि आप फ्लाइट में भले ही बीच की सीट खाली छोड़ दें और दूर दूर बैठें तब भी वो 2 गज की दूरी नहीं बनती है। ऐसे में फुल कैपेसिटी में फ़्लाइट को उड़ाया जाएगा। फुल कैपेसिटी में जब फ़्लाइट को उड़ाया जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि अंदर बहुत ज़्यादा ख़तरा है। अगर कोई गलती से कैरियर है जो एसिम्प्टोमेटिक है तो किसी बुज़ुर्ग के लिए ये ख़तरनाक हो सकता है, प्रेग्नेंट लेडी के लिए ख़तरनाक हो सकता है। इसीलिए एडवाइजेबल है कि आप हवाई यात्रा ना करें। तो वेब चेक इन हुआ, उसके बाद आप अपने बैगेज को आइडेंटिफिकेशन मार्क देकर उसको आप अंदर भेज देंगे। और अगर आपको किसी वजह से एयरपोर्ट पर दिक्कत है और बैगेज के लिए टैग नहीं प्रिंट आउट हो रहा है तो ये भी कहा गया है कि आप एक बड़े से कागज पे साफ साफ अपनी फ़्लाइट के डिटेल और अपना नाम लिखकर उस पर टैग कर दें और उस लगेज को उसके साथ करके कन्वेयर बेल्ट पे डालकर अंदर भेज सकते हैं। और एक बात मैं जो ख़ास तौर पर आपको बोलना चाहता हूँ, जो आपको ख़ास तौर पर ध्यान रखनी है कि अगर आप कंटेनमेंट जोन में रहते हैं, अगर आपका घर कंटेनमेंट जोन में आता है तो आप कृपया करके फ्लाइट में ना चढ़ें, अपनी हवाई यात्रा ना करें। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके आरोग्य सेतु ऐप में दिख जाएगा कि आप कहां से आ रहे हैं और उस वजह से आप एयरपोर्ट का टिकट भले ही आपके पास हो पर ये अधिकार होगा एयरपोर्ट पर खड़े सिक्योरिटी ऑफिसर को कि वो आपको गेट से बैरंग वापस लौटा सकता है। अब आप जानना चाहेंगे कि क्योंकि फ़्लाइट इतने दिनों के बाद शुरू हो रही हैं, करीब करीब 70 दिन का वक्त हो जाएगा जब फ़्लाइट शुरू होंगी, ज़ाहिर तौर पर किराया कितना होगा, उसको लेकर भी एक बड़ा अच्छा काम किया है, कायदा बांध दिया गया है, एक लिमिट बांध दी गई है। तो मिनिमम टिकट एक हवाई जहाज़ का 3500 रुपये तय कर दिया गया है और मैक्सिमम टिकट 10,000 रुपये तय कर दिया गया है। तो 3500 से 10,000 के बीच की रेंज है और ये अगले 3 महीनों तक, यानी जब हम 25 तारीख से शुरू कर रहे हैं बुकिंग, अगर 24 मई से तो ये 24 अगस्त तक, जैसा कि हरदीप पुरी साहब ने बताया है। इसी तरीके से फ़्लाइट का ड्यूरेशन के हिसाब से उसका टिकट लगेगा, तो 7 ड्यूरेशंस में अक्रॉस इंडिया के फ्लाइंग जोन को बांट दिया गया है। तो 40 मिनट मिनिमम है, यानी जो 40 मिनट की फ़्लाइट होगी उसमें 3500 का किराया होगा। फिर अगली कैटेगरी है 40 से 60 मिनट की, दूसरी कैटेगरी है 60 से 90 मिनट की, चौथी कैटेगरी है 90 से 120 मिनट की, पांचवी कैटेगरी है 120 से 150 मिनट की, छठी कैटेगरी है 150 से 180 मिनट की और 180 से 210 मिनट की सातवीं और आखिरी कैटेगरी, यानी 210 मिनट के अंदर आप हिंदुस्तान के किसी भी एक फार्देस्ट दूर से दूर एयरपोर्ट को पहुंच सकते हैं, चाहे आप कोलकाता से कच्छ जा रहे हो अगर वो फ़्लाइट चलती है, क्योंकि अभी रूट्स आए नहीं हैं। तो मिनिमम फ़्लाइट जो 40 मिनट की होगी उसका किराया 3500 रुपये और जो मैक्सिमम फ़्लाइट होगी, या ये ज़रूरी नहीं कि जो फ़्लाइट 210 मिनट की हो वो 10,000 की हो, ये भी ऑप्शन फ़्लाइट कंपनीज को दिया गया है, एयरलाइंस कंपनी को दिया गया है कि अगर दिल्ली मुंबई फॉर एग्जांपल, सबसे अधिक ट्रैफिक दिल्ली मुंबई के बीच में रहता है, मुंबई दिल्ली के बीच में रहता है, तो अगर वहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा है तो वहाँ का किराया भी ये कंपनियाँ बुकिंग को देखते हुए बढ़ा सकती हैं, लेकिन 10,000 के ऊपर नहीं जाएंगी। तो अब अगर आपको फ़्लाइट से जाना है, 1 जून से तैयारी करनी है, अगले 2-3 दिनों के अंदर फ्लाइंग शेड्यूल सामने आ जाएगा, उसके मुताबिक आप बुकिंग कराकर डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर अपनी यात्रा कर सकते हैं। और एक बात अच्छी आपको बता दूं कि जो डोमेस्टिक यात्री होंगे वो उनको किसी भी तरीके से आइसोलेशन सेंटर में नहीं ले जाया जाएगा उनसे, क्योंकि सेल्फ डिक्लेरेशन आरोग्य सेतु के थ्रू कराया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि वो
कोविड के कैरियर्स नहीं है, कोविड के पेशेंट नहीं है, इसीलिए उनको क्वारंटीन करने की ज़रूरत नहीं बताई जा रही है। फ्लाइट के अंदर की कुछ बातें बता दूं, जो फ्लाइट के अंदर स्टाफ होता है, केबिन क्रू जिसको बोलते हैं, एयर होस्टेसेस होती हैं, एयर स्टूअर्ड्स होते हैं, ये पूरी तरीके से पीपीई किट में रहेंगे, पूरी तरीके से पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जिसको किट कहा जाता है उसमें रहेंगे। आप बार बार बटन ना दबाएं उनको बुलाने के लिए, ये रिक्वेस्ट की गई है, क्योंकि ये भी कहा गया है कि आप अपना खाना खुद कैरी करें। वहाँ पर पैक्ड चीज़ें, चिप्स का पैकेट भले ही मिल जाए, पीनट्स का पैकेट भले ही मिल जाए, लेकिन गरम खाना वहाँ पर कुक खाना नहीं मिलेगा। तो खाना आपको अपने साथ लेकर चलना है। बॉटल्ड पानी मिल सकता है, ये डिपेंड करेगा एयरलाइंस टू एयरलाइंस पर कि वो क्या देना चाहते हैं। अगर आप पानी अपने साथ कैरी करना चाहते हैं तो आप एयरपोर्ट से अंदर से लेकर आप फ्लाइट के अंदर तक ले जा सकते हैं। अब बात करते हैं रेल सर्विसेज की। छुक छुक गाड़ी, श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन तो चली रही हैं, आपने देखा होगा। कुछ इलाकों में सरकार ने अब राजधानी ट्रेनें भी शुरू कर दी हैं, लेकिन अब 1 जून से ट्रेन शुरू हो रही हैं। 100 ट्रेनें सरकार ने घोषित कर दिया है, लेकिन अब ये साफ कर दिया गया है कि अब एसी कोचेस भी होंगे, नॉन एसी भी होंगे और जनरल कोचेस भी होंगे, लेकिन जनरल कोचेस में के लिए भी आपको बुकिंग करानी होगी। यानी कोई भी व्यक्ति जिसको ट्रेन की यात्रा करनी है, उसको पहले IRCTC की वेबसाइट पर जाकर या इंडियन रेलवेज के ऐप पर जाकर टिकट बुक कराना है। रेलवे स्टेशन के काउंटर पर कोई टिकट नहीं मिलेगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, स्टेशन पर टिकट नहीं मिलेगा। स्टेशन पर मत भागे, आप अपने फ़ोन में, अपने लैपटॉप पर, अपने कंप्यूटर पर टिकट वेबसाइट पर जाकर IRCTC की और इंडियन रेलवेज के उस पर जाकर आप टिकट इशू करा सकते हैं। और कहीं की भी यात्रा, जो वो 100 ट्रेनें हैं, RAC के लोग ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन वेट लिस्टेड टिकट के लोग ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो ट्रेन के अंदर खड़े होकर कोई यात्रा नहीं करेगा, बर्थ पर कहीं भी लेट गए, कहीं भी पसर गए, वो नहीं होगा। जैसे हवाई जहाज़ में होता है, आपकी सीट अलॉटेड होती है, आपकी सीट अलॉटेड होगी, आपको अपनी सीट पर ही बैठकर वो ट्रेन की यात्रा करनी होगी, चाहे वो यात्रा 12 घंटे की हो, चाहे वो यात्रा 24 घंटे की हो। तो जो खास ट्रेनें 100 रूट पर चलाई जा रही हैं, टू एंड फ्रो जिसको कहते हैं, अप एंड डाउन, वो कुल मिलाकर 200 ट्रेनें 1 जून से शुरू हो रही हैं। ट्रेन में फेस मास्क पहनना है, सैनिटाइज़र की बोतल साथ रखिए, अपने साथ साबुन साथ रखिए, बार बार हाथ धोते रहिए, अपना खाना साथ लेके चलिए, नौबत ना आए कि आप स्टेशन से कुछ लेकर खाएं, क्योंकि कई बार वो खाने के पैकेट्स पर भी कंटेमिनेशन होता है और उसके ज़रिए संक्रमण फैल सकता है। तो संक्रमित होने से अपने आप को बचाना है और हाथ धोते रहें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना कुल मिलाकर आप इस यात्रा के ज़रिए ऐसा ना हो कि आप शहर से अपने किसी छोटे शहर में या गांव में बीमारी को खुद संक्रमित होकर ले जाएं, या ट्रेन के ज़रिए आप तक ये संक्रमण आपके घर तक पहुँच जाए। तो एहतियात बरतने की ज़रूरत है, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, कोरोना के रहते हमको जीना सीखना है, और इसीलिए सरकार ने हवाई जहाज़ और ट्रेनों की शुरुआत कर दी है। अब हमारे ऊपर है कि हम इस संक्रमण को ना फैलने दें और आम जनजीवन भी कर अपना आम जनजीवन भी जीते रहें और कोरोना से भी बचकर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। ABP News आपको रखे आगे।